छतरपुर जिले के नौगांव के 178वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी थी, लेकिन इसी वर्ष हाल ही में नगर की कुछ वरिष्ठ हस्तियों के निधन के कारण स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम को सादा समारोह में तब्दील कर दिया गया। नहीं, नौगांव स्थापना दिवस इस वर्ष भी भव्यता के साथ मनाया जाना था, लेकिन नगर के कई गणमान्य व्यक्तियों के आकस्मिक निधन के कारण जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इसे सांकेतिक रूप से मनाने का संकल्प लिया था। आगामी वर्षों में हमारा पूरा प्रयास है कि नौगांव की स्थापना को हम एक पूरा एक विशेष दिन बनाने वाले हैं। हमें कई सूत्रों ने जो सुझाव दिए हैं कि 11 जनवरी को हम मनाते आ रहे हैं, अगले वर्ष से हमारा प्रयास इसको 1 जनवरी को मनाने का होगा। 11 जनवरी को नौगांव शहर अपने 178वें वर्ष को पूर्ण कर रहा है। 178 साल पहले इस शहर की स्थापना की गई थी। बुंदेलखंड के चंडीगढ़ के रूप में विख्यात रहे नौगांव की खूबसूरती, यहां वर्षों तक रहे ब्रिटिश शासन के दौरान हुए निर्माणों की है। 178वें स्थापना दिवस के मौके पर नौगांव के GTC स्कूल प्रांगण में एक सादा समारोह के रूप में ये कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान तिरंगा झंडा फहराया गया और मिठाई बांटकर लोगों ने सांकेतिक रूप से इस उत्सव को मनाया। इस दौरान ये भी तय किया गया कि अगले वर्ष स्थापना दिवस का ये कार्यक्रम 1 जनवरी को नए साल के साथ मनाया जाएगा। 178वां स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है, लेकिन नगर नौगांव में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के कारण जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसको देखते हुए इस कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप से एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। और नगर नौगांव के युवाओं से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोग यह स्थापना दिवस मना रहे हैं, नौगांव की पुरानी धरोहरों को अक्षुण रखने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो सभी नगर के युवाओं से भी मैं यह अनुरोध करता हूं कि भविष्य में भी वो इस कार्यक्रम की गति को बनाए रखें और नगर में जो भी पुरानी महत्व की चीज़ें हैं उनको अक्षुण बनाए रखने के लिए मेहनत करें। मैं नौगांव का रहने वाला हूं, मैं दिल्ली में जॉब करता हूं और नौगांव के इस स्थापना दिवस समारोह की परिकल्पना भी हमारे मित्रों द्वारा की गई। मेरा मानना है कि नौगांव का स्थापना दिवस ये जो मनाया जा रहा है, इससे हमारी जो विरासत हमें पता चल रही है कि नौगांव में की विरासत क्या है, और इसमें मेरा ये मानना है कि हम सारे लोगों को इस स्थापना दिवस में नए नए आयाम, जैसे स्वच्छता मिशन ग्रीन जो अभी भारत अपने नौगांव नगर में चल रहा है मिशन ग्रीन, और स्वच्छता के रूप में और हमारी जो पुरानी धरोहरें हैं उनको बचाने के लिए इस स्थापना दिवस को मनाना चाहिए और इस हेतु हम सभी को जागरूक करें। नौगांव नगर की स्थापना दिवस का मूल उद्देश्य स्वर्गीय श्री प्रेम नारायण जी नायक के पुत्र प्रवीण नायक के मस्तक में आया था और उन्होंने अपना मस्तक का बीज उठा के उसको उर्वरा भूमि मैंने दी है। 2015 में 173वां स्थापना दिवस मनाया था मैंने पहली बार, उस समय जीरो बैलेंस पे प्रोग्राम किया था। 174वां स्थापना दिवस में का ब्याह था 2000 रुपये, 174 में का भी ब्याह 2000 था जो दिल्ली से आया प्रवीण नायक के माध्यम से। फिर 15वां में लगा हमें 20,000 और 16वें में आए, इस प्रकार से हमको 1.5 लाख रुपए का भी आया और ये प्रवीण नायक की ही मस्तक से ये उपज आई थी, उसको मैंने उर्वरा भूमि दी बस।